हाय गाइस, दिस इज़ योर बॉय सिमरन जीत सिंह सराव और आप देख रहे हैं सिमरन सराव फिटनेस। तो आज का हमारा टॉपिक है तीन ऐसे सीक्रेट्स जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी स्टबन बेली फैट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टबन फैट हमारे बॉडी पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होती है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी स्टबन फैट नहीं हटा पाते क्योंकि उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं पता है या वो कई चीज़ें ऐसी हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं और उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चाहते हैं कि सिर्फ उनके पेट से ही बॉडी फैट कम होए और दूसरे एरियाज़ में उनको लगता है कि उनकी जो बॉडी फैट है या स्टबन फैट है वो ठीक है और सिर्फ उनको पेट से ही फैट है जो वो कम करनी है। बट आपको मैं बता दूं कि आप एक एरिया टारगेट नहीं कर सकते आपकी बॉडी फैट हटाने के लिए। जब आपकी बॉडी फैट हटती है या स्टबन बेली फैट या स्टबन बॉडी फैट आपकी हटती है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से फैट लेती है, जैसे आपकी फेस से, आपकी लेग से, आपकी आर्म से और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हो तो सिर्फ पेट से जाए तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा, आप एक एरिया को टारगेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होएगा और तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कई लोग इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि यार वेट तो कम हो रहा है बट पेट नहीं कम हो रहा। पेट कम हो रहा है गाइस, बट आपके अंदर वाली फैट भी होती है, बाहर वाली फैट होती है। तो कई बार आपकी अंदर वाली फैट बर्न हो रही होती है, कई बार आपकी बाहर वाली फैट। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और निराश मत होइए और अपना जो प्रोग्राम है, जो कटिंग प्रोग्राम है, उसको फॉलो करते रहिए। तो जैसे कि आपको ये पहली वाली बात क्लियर हो गई हो तो मैं अब चलता हूँ आपको लेके नंबर 1 टिप पे, जो कि है हमारी फास्टिंग। तो आप लोगों को स्टार्ट करनी होगी फास्टिंग। फास्टिंग के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं गाइस, बट जो मेन फायदा है वो है आपकी बॉडी फैट, उससे कम होती है। अगर आप फास्ट करोगे तो बॉडी फैट, आपकी जो स्टबन बॉडी फैट है वो कम होती है, चाहे वो आपकी बेली पे हो, चाहे वो आर्म्स के पे, कहीं पे भी होए वो आपकी कम होएगी। और भी कई फायदे हैं गाइस, जैसे आपकी स्किन क्लियर होती है, आपका खून क्लियर होता है, आपका खून साफ होता है और आपका मेंटल जो फोकस है वो भी अच्छा होता है और आप अपनी पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं और भी कई चीज़ों में जिनमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपका ध्यान ज़्यादा लग सकता है। तो तभी फास्टिंग इतनी फायदेमंद है। और एक बहुत ही बड़ा इसका फ़ायदा और है कि ये आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है और आपका ग्रोथ हार्मोन भी बूस्ट करती है, जो कि हमें मसल बिल्डिंग के लिए और फैट बर्निंग के लिए चाहिए होता है। तो ये तो थे फास्टिंग के कुछ फ़ायदे। बट मैं आपको बता दूं कि जब आप फास्टिंग करते हो तो क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो आपके शरीर में स्पाइक नहीं होता है, क्योंकि वो तभी सीक्रेट होता है जब आप कुछ खाते हो। उसका स्पाइक होने का एक ही कारण होता है कि वो आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ले जाए और वो एक स्टोरेज हार्मोन है, तो वो आपको स्टोरेज मोड में रखता है, जो आप खाओगे वो स्टोर करेगा। तो इतनी बारी आप कम खाओगे इतनी बारी वो कम स्पाइक होएगा और आपकी बॉडी यूज़ करेगी आपकी बॉडी फैट एनर्जी के लिए। और जैसे कि आपकी बॉडी फैट यूज़ होगी एनर्जी के लिए, आपकी स्टबन बॉडी फैट भी कम होगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी लीन होने लग जाएगी और आप दिखने लग जाएंगे बहुत ही अच्छे। तो आप फास्टिंग को अपना लाइफस्टाइल भी बना सकते हैं, खास करके वो लोग जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं, जो लोग बैठकर जॉब करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए होती है। तभी जो लोग बैठ के काम करते हैं उनको लगता है कि उनको भूख लग रही है या वो उनको खाना चाहिए कुछ, तभी उनका जो बॉडी फैट लेवल्स है वो ऊपर चला जाता है और वो कभी भी अपने बॉडी फैट के गोल्स में कामयाबी नहीं पाते, तो उनका बॉडी फैट लेवल कम नहीं होता है। तो फास्टिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं या जिनकी कम फिजिकल एक्टिविटी है, तो वो आप फॉलो करिए। और चाहे आपका गोल 5 किलो कम करना है या 50 किलो, आप फास्टिंग करते रहेंगे तो आपकी बॉडी फैट बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे आ जाएगी बिना किसी रुकावट के और आपकी स्किन भी क्लियर होएगी, आपका मेंटल फोकस बढ़ेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ होएगा, आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होएगा। तो आप क्यों नहीं चाहेंगे फास्टिंग करना, इतने सारे फ़ायदे हैं, ज़रूर फास्टिंग करिए। और ये है मेरी फर्स्ट टिप। और फास्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं गाइस, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको फास्टिंग किसी ने कहा कि 8 घंटे करनी है तो 8 ही घंटे करनी है। आप अपना शुरुआत करिए 2 घंटे से 3 घंटे से और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आपकी टॉलरेंस बढ़ती जाती है तो जितनी देर फास्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी फैट बर्न होगी। और जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्केड्यूल आपको डिफरेंट टाइम्स पे फास्टिंग करने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी टाइम फास्टिंग कर सकते हैं किसी टाइम नहीं कर सकते, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली रखिए। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि उनको ब्रेकफास्ट खाना अच्छा लगता है और
इन बिटवीन दैट वो जब जॉब पे होते हैं उनको कुछ खाना नहीं अच्छा लगता, तो वो अपने लंच ब्रेकफास्ट टाइम से लेके डिनर टाइम तक आप फास्टिंग कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में खा लीजिए और फिर उसके बाद डिनर में ही खाइए, और आपका बीच वाला जो टाइम है वो आपकी फास्टिंग हो जाएगी। कई लोगों को ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर दीजिए और आप सीधा लंच तक फास्टिंग करिए, और लंच में फास्ट तोड़िए, और लंच में अपनी मील खाइए और डिनर में अपनी मील खाइए। और कई लोग क्या करते हैं कि उनका क्या सीन होता है, वो ब्रेकफास्ट और लंच बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और वो सिर्फ जाके रात को जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका है फास्टिंग करने का। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अपना टाइम निकालना है, जिस भी टाइम आपको फास्टिंग के लिए बेस्ट लगता है तो आप उस टाइम फास्ट करिए, पानी पीजिए। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप फास्टिंग के दौरान भी पी सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी, आपकी ब्लैक टी होगी, ग्रीन टी होगी, जिसमें कैलोरीज ना होए, वो सिर्फ ब्लैक हो और कोई शुगर नहीं होनी चाहिए, तो वो आप 1 या 2 कप्स दिन में पी सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो एपेटाइट है वो सप्रेस हो जाती है, वो आपकी भूख नहीं लगने देती कॉफ़ी या टी, क्योंकि उनमें एपेटाइट सप्रेसेंट होते हैं, तो वो आपको एक्टिव भी रखेंगी और आपकी जो बॉडी फैट है वो कम भी हो जाएगी। अब बात करते हैं मेरे सेकंड सीक्रेट टिप की, जो कि है आपको करनी होगी वॉकिंग, वो भी फास्ट वॉकिंग। आपको रनिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ वॉक करनी है, जो कि नॉर्मल वॉकिंग से थोड़ी सी फास्ट होएगी, और ये आपको करनी है दिन में आधा घंटा से लेके 1 घंटा 2 बारी, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होएगा कि आपकी जो बॉडी फैट है वो और भी जल्दी बर्न होएगी, और आपकी जो कैलोरीज हैं, आपकी जो बॉडी फैट है वो एनर्जी के लिए यूज़ होएगी। खास करके आप जब फास्टिंग कर रहे होंगे, अगर आप तब वॉक करेंगे तो आपकी जो बॉडी फैट है वो और भी जल्दी जल्दी पिघलने लग जाएगी, और आप दिनों में ही 5, 10 किलो, 15 किलो आसानी से कम कर पाएंगे। तो आप अपने नॉर्मल वॉकिंग शूज़ में आपकी वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है कि आप चाहे दिन में करें, दोपहर में करें या रात को करें, आपको ये करना ही होएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फैट कम हो जाए। जो फास्ट वॉकिंग है वो चाहे आप ट्रेडमिल पे भी कर सकते हो या आप नॉर्मल वॉक पे भी कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ को आप यूज़ करिए, और फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको फास्ट कर लीजिए और दिनों में ही लूज़ करिए 15-20 किलो, जितना भी आपका गोल है। तो अब बारी आ गई है हमारे थर्ड सीक्रेट टिप की, जो कि है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे कि ज़्यादातर देखा गया है कि इंडियन घरों में बहुत सारा तेल यूज़ होता है, जब भी कोई सब्जी बनती है, जब भी कोई दाल बनती है, या जब भी कोई कुकिंग आपके घर में होती है, तो उसमें बहुत सारा तेल यूज़ होता है, जो कुकिंग ऑयल होता है। तो कि जब आप ज़्यादा तेल यूज़ करते हो तो वो बिना बात की कैलोरीज आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो आपको बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिससे आपको सिर्फ बीमारियों के पास लेके जा रहा है। तो आपकी जो दिल की बीमारियां हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, आपको डाइजेशन अच्छी नहीं होती, वो सिर्फ उसी चीज़ की वजह से होती है, क्योंकि आपकी जो खाने पीने में वो तेल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको तेल है, अगर आप मान लीजिए कि उसमें एक सब्जी बनाने के लिए 6 या 8 चम्मच यूज़ करते हैं, तो आप उसमें 1 या 2 चम्मच अभी से ही यूज़ करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ वो आपके लिए हेल्दी होएगा, और आप देखिएगा कि दिनों में ही आपका जो वेट है वो बहुत आसानी से कम होने लग जाएगा। तो अपना जो तेल है उसको कम से कम यूज़ करिए, जैसे आप परौठों पर भी है, आप स्प्रे वाला तेल यूज़ कर सकते हैं परौठे बनाने के लिए, और जो भी ऐसी चीज़ है जिनमें कम से कम तेल यूज़ करते हैं उनमें स्प्रे वाला तेल यूज़ करिए, और जब आप सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें 1 या 2 चम्मच, बड़े चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें। अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जैसे कि गाइस, आपको मैंने 3 टिप्स बताई है, जैसे कि मेरी पहली टिप थी आपको फास्टिंग करनी होगी अपने मुताबिक, जितने भी घंटे आप कर सकते हो उतने, और शुरुआत करिए धीरे धीरे और बढ़ाते जाइए अपने फास्टिंग वाले आवर्स को, उसके बहुत फ़ायदे हैं। और जो दूसरी टिप थी वो थी हमारी फास्ट वॉकिंग करनी है आपको, वो भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में, शाम में, रात में, क्योंकि उससे क्या होएगा, आपकी बॉडी फैट है वो जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी टिप आपकी खाने की है, आपको खाने वाला जो कुकिंग ऑयल है उसको कम से कम यूज़ करना होएगा, ताकि आपकी जो स्टबन फैट है वो नस्तानाबूद हो जाए और आपके शरीर पे दोबारा कभी भी वापस ना आए।
और ये तो थी मेरी 3 टिप्स, और ऐसी ही और टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि है सिमरन सराव फिटनेस, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए क्योंकि इंस्टाग्राम से मैं अपनी ऑनलाइन कोचिंग चलाता हूँ गाइस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हो और मैं आपको अपनी ऑनलाइन कोचिंग की डिटेल्स आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। अगर आप अपने जो फिटनेस लेवल्स है उनको डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाहते हो और रिजल्ट चाहते हो वो भी फास्ट रिजल्ट्स, तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और टिप्स लेके, तब तक के लिए देखते रहिए सिमरन सराव फिटनेस।